दशहरा के मौके पर अमृतसर में आयोजित रावण दहन कार्यक्रम देख रहे लोगों के साथ हुए हादसे में 61 लोगों को कालका ग्रास बनाने वाली ट्रेन के ड्राइवर ने इस हादसे को लेकर अपनी सफाई पेश की है। ड्राइवर ने कहा कि जिस वक्त यह हादसा हुआ उस समय जोड़ा फाटक के पास रेल पटरियों पर खड़े होकर लोग रावण दहन देख रहे थे। उस वक्त तक लगभग अंधेरा छा चुका था और रावण दहन के साथ ही आसपास धुआं छा गया और तेज आतिशबाजी होने लगी। रावण जलने की वजह से आसपास काफी धुआं था। घटना स्थल पर रोशनी की भी व्यवस्था नहीं थी, इसलिए उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। अमृतसर में हुए इस भीषण हादसे में 61 लोगों की मौत हो चुकी है और 51 लोग बुरी तरह से जख्मी हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कल दशहरा के मौके पर अमृतसर में आयोजित कार्यक्रम में जोड़ा फाटक के पास रेल पटरियों पर खड़े होकर लोग रावण दहन देख रहे थे, तभी यहां से होकर ट्रेन गुजरी। इस ट्रेन की चपेट में आकर 61 लोगों की मौत हो चुकी है और 51 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। हादसे को लेकर रेलवे का कहना है कि इस हादसे में उसकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि वहां आयोजित हो रहे कार्यक्रम के लिए न तो रेलवे से कोई मंजूरी ली गई थी और न ही रेलवे को इस बारे में कोई सूचना दी गई थी। वहीं रेल के ड्राइवर का कहना है कि रावण जलने की वजह से वहां काफी धुआं था और घटना स्थल पर रोशनी की भी व्यवस्था नहीं थी, इसलिए उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। खबरों के मुताबिक ड्राइवर की पहचान को सार्वजनिक नहीं किया गया है, रेल अधिकारी उससे पूछताछ कर रहे हैं। वहीं रेलवे का कहना है कि रावण दहन देखने के लिए लोगों का वहां पटरियों पर इकट्ठा होना साफ तौर पर अतिक्रमण का मामला था और इस कार्यक्रम के लिए रेलवे द्वारा कोई मंजूरी नहीं दी गई थी। अमृतसर प्रशासन पर इस हादसे की जिम्मेदारी डालते हुए आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि स्थानीय अधिकारियों को दशहरा कार्यक्रम की जानकारी थी और इसमें नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी ने भी शिरकत की थी।